यूपी के कन्नौज में पीडीए की मीटिंग, समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय कन्नौज में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजपाल कश्यप ने समाजवादी पार्टी के विकासों का बखान किया। इस मौके पर सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजपाल कश्यप, पूर्व एमएलसी, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने समाजवादी पार्टी में कराए गए विकास को बताते हुए कहा कि पीडीए अब बीजेपी को हटाने का काम करेगी। इसके साथ ही बीजेपी की नाकामियों को भी गिनाया गया। देश में पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस पीडीए पखवाड़े में पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में, समस्त विधानसभाओं में, समस्त ब्लॉकों में और सब जगह पीडीए पंचायतें लगाकर इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने की है और उसके तहत आज मैं कन्नौज में आया हूँ। मैं पूरे पूर्वांचल में घूम के आया हूँ। पूर्वांचल में जिस तरीके की लहर है समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की और बीजेपी के खिलाफ लहर है, बीजेपी को हटाने की लहर है, क्योंकि बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हुई है। कोई एक वादा पूरा करने का काम नहीं किया, ना 2 करोड़ नौकरियां दी, ना किसान की आय दुगनी की, ना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चला। आज तो आरक्षण तक सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान तक सुरक्षित नहीं है बीजेपी के शासन का, स्वतंत्र संस्थाएं सुरक्षित नहीं है। आज सभी लोगों को डर और दहशत का माहौल पूरे देश में पैदा किया गया और जनता इस बार 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और देश में नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के से पूरी बीजेपी घबराई हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।